इंग्लिश ग्रामर क्लास रे आज आम पढ़ा चैप्टर 11 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्तमान आम गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट को चिन्हिचे आ वर्ब को चिन्हिचे, किंतु केउ सब्जेक्ट सह केउ हेल्पिंग वर्ब लागिवो सेटा आज आम पढ़ा। मु पूरा कोर्स समराइज करी किछि पॉइंट कर देछि जोडा तमन को इजी हबो सिखिवा पई। ओके, तो लेसन स्टार्ट करिया पूर्व चलो देखिबा किछि रूल्स व्हिच विल हेल्प अस टू नो कि कौ सब्जेक्ट पाखे कौन कौन वर्ब लगे। ओके, सो द फर्स्ट रूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब एंड प्लुराल सब्जेक्ट है प्लुराल वर्ब। आम जानचे जदि सब्जेक्ट सिंगुलर हम तेल वर्ब सिंगुलर, आदि सब्जेक्ट प्लुराल अच्छी तेल वर्ब प्लुराल। जमी कि मुझे एग्जांपल लिखी अ बॉल इज ऑन द ग्राउंड, ये अ बॉल मान ये गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तेणु जेहेतु सब्जेक्ट सिंगुलर अच्छी तेणु वर्ब भी ये सिंगुलर हो, किंतु एठी बॉल्स बॉल्स एठी गोटे प्लुराल है तेणु एठी वर्ब टा भी प्लुराल है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कंसीडर वन मोर सेंटेंस। सी राइट्स एवरी डे, सी आम जानचु ये गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट तेणु वर्ब पाखे आम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जेहेतु सी तेणु आम वर्ब रे गोटे एस लिखिचु आ सी राइट्स एवरी डे, ये वर्ब टा है राइट्स, किंतु दे दे जेहेतु गोटे प्लुराल है तेणु दे पाखे आम वर्ब कौन लिखिले राइट। ओके, तो नेक्स्ट रूल हूँ दिस इज वेरी कमन जो सब लगे से फर्स्ट रूल टा सब मन रखा पड़ो। सेकेंड रूल हूँ व्वेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंट बाय एंड एंड द वर्ब इज प्लुरल, जदि आम दीटा सब्जेक्ट को कंजक्शन एंड द्वारा जॉइंट करें से वर्ब टा प्लुरल हम। लेट्स सी द एग्जांपल, ही एंड आई आर प्लेइंग, एटी प्लुरल एटी दीटा सिंगुलर को आम एंड रे जॉइन करिचे तेणु वर्ब टा प्लुराल हेला। सेकेंड सेंटेंस मोहन एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स, दीटा सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंट बाय आर जॉइंट बाय एंड सेनो वर्ब टा प्लुराल हेला। ओके, थर्ड रूल देखिबा हमें व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट एंड दे रेफर टू वन पर्सन देन द वर्ब इज सिंगुलर, एटी आम कौन लिखल दीटा सिंगुलर नाउन जदि एंड द्वारा जॉइन होती आ दि जन गोटे पर्सन को रेफर करके एग्जांपल मुझे द बेस्ट एथलेट एंड कैप्टन ऑफ द टीम इज लिविंग द स्कूल, ये आम कौन लिखु द बेस्ट एथलेट जी कैप्टन ऑफ द स्कूल भी सीए दिटा जगह सब्जेक्ट जन को रेफर करेणु वर्ब टा ये इज है सिंगुलर है। ओके, किंतु जदि अलग अलग सब्जेक्ट होता दीटा आर्टिकल लगी था बेस्ट एथलेट भी कही था कैप्टन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम कही था दीटा अलग अलग होते दीटा जगह दीटा द लिखी था। ओके, तो वर्तमान आम फोर्थ रूल देखा व्वेन वी रेफर टू द प्लुराल पार्ट ऑफ समथिंग देन द वर्ब विल बी प्लुराल, जिते बड़े आम कौ 30% मार्क आनीचुले यहाँ कौन हो प्लुराल पार्ट नौ 30 इज नॉट सिंगुलर बहुत हूँ है ना, तो आम ये देख 3 out of 10 चिल्ड्रेन हाफ पास बर्तमान ये 3 टा गोटे प्लुराल मेनी को रेफर मोर देन वन इज मेनी तेणु 3 out of चिल्ड्रेन हाफ पास 10 चिल्ड्रेन हाफ पास तेणु ये सब्जेक्टा है सरी वर्बटा है हाफ ये आम हाज लिखिले कि वन लिखी था 1 out of 10 चिल्ड्रेन हाज पास कहीं सिंगुलर हम। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी, so let's move on to the next rule, rule 5 eta re ma se mane rakhitibo eta examination point of view re bahut important, when we use either or neither nor then verb will be used in accordance with the noun nearest to it, jete bele ame gote sentence ku either or athoba neither nor re join kari thau tahale verb kota hobo noun nor lekha aithiba pakhere noun jouta thibo से नाउन जदि सिंगुलर थी तेल भर्ब हब सिंगुलर नाउन जदि प्लुराल थी से भर्ब हब प्लुराल। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी, देखो एग्जांपल देखिबा नाइदर ही नॉर आई डैश टू बी ब्लेम्ड, ये कौन लिखा नॉर पाखे आम कौन लिखीचे नियरेस्ट नाउन नॉर पाखे नियरेस्ट नाउन आई है ना नॉर पाखे जोटा थी नॉर पाखे आम डाण पटे देखिले आई अच्छी तेणु आम ये वर्ब लिखले एम जेहेतु आम जानचु आई सांगे एम हुए तेणु आम लिखल एम टू बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखा
either Ram or his friends have done this. Friends अच्छी एठी देखुचा एठी जति मुझे लिखी था ना either Ram or his friend ताला मुझे लिखी था ना has done this कहे कि ना और पक्खेरे जो verb टर रही वो right hand side रे जति सेटो singular हबो ताहले आमे जानीचे verb भी singular हबो किंतु जदि और पक्खेरे जो noun रही वो सेटा plural हबो ताहले verb हबो plural तेणु हाथ जेहेतु गोटे सिंगुलर भव आम ये प्लुराल भव हाव लिखिले ओके क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट आमको किसी टेक्निक ना ये किसी जिनस मन रखा पड़ो कि वर्ड्स जोटा सब इज फॉलोड बाय सिंगुलर भव ओके किटा नाउन्स अच्छा जो मैंने केवे भी प्लुराल भव सांगे जाती सब सिंगुलर भव सांगे जाती से वर्ड्स है सम वन नो वन ईच एवरी वन Someone, no one, each, everyone must be followed by singular verbs. Okay? Let's get some examples. No one is selfish here. Okay? Eti kehi bhi selfish nahanti. No one is selfish here. Next sentence. Every one of the boys loves to eat sweets. Eti ame love likhiwa nahi. Every one of the boys bakhare ame likhile loves to eat sweets. Kahi ki ame janichu everyone sangare sabore singular verb rahibo. ओके नेक्स्ट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर कलेक्टिव नाउन्स हाव सिंगुलर वर्ड रूल 7 कहूँ जो जो नाउन कलेक्टिव नाउन को रेफर करुथुबे सेमानक संगेरे सर्वदा सिंगुलर वर्ब रहिबे एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग देयर आम जानिछु आर्मी टा गोटे कलेक्टिव नाउन सोल्जर्स मानकर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज आर्मी जेहेतु एटा गोटे कलेक्टिव नाउन या पाखरे सबबले सिंगुलर वर्ब लगे इज ओके आ गोटे एग्जांपल मु नै छी अ बुके ऑफ फ्लावर्स वाज गिवन फ्लावर्स हेले भी एटा बुके टा जेहेतु गोटे कलेक्टिव नाउन तेनो बुके पखरे सब बळे सिंगुलर वर्ब रहिबो ओके रूल 7 पर्यंत समस्त क्लियर वर्तमान आमे रूल 8 देखिबा ओके रूल 8 कोन कहू छी वर्ड्स लाइक अलोंग विथ आज वेल आज बिसाइड्स हाफ सिंगुलर वर्ब्स एटा भी पूर्व रूल भलिया कि केतेटा वर्ड अछन्ति जो माने सब बडे सिंगुलर वर्ब कैरी करन्ति से माने कि अलोंग विथ आज वेल आज बिसाइड्स ओके मु एग्जांपल नै छी एक्साइटमेंट आज वेल आज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर सेकिंग सी डरी जाए थरी जाए तार कारण होचे एक्साइटमेंट आज वेल आज नर्वसनेस जदिओ एठी दीटा वर्ड आमे नै छी जेहेतु ए सेंटेंस आजुलास द्वारा जॉइन है छी तेनु आमे वर्ब सब बळे सिंगुलर रखिबा इज रखिबा ओके क्लियर द फादर आजुलास हिज सन्स इज गुड आर गुड लिखिबानी ओके नेक्स्ट आमे देखिबा ब्रैकेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ओके ब्रैकेट्स को हमें कंसीडर करिवानी सब्जेक्ट रो जते बेला हमें वर्ब लिखिबा सब्जेक्ट जहा थिबो से ब्रैकेट जोटा थिबो सेटा को हमें नजरअंदाज करिवा एग्जांपल में देई छी जैक एंड हिज पेरेंट्स इज ऑलवेज वेलकम हियर जैक को नै छी हमें एंड हिज पेरेंट्स ब्रैकेट रे अछि तेनो ब्रैकेट टा को हमें कंसीडर करिवानी वर्ब लिखला बेले जैक जेहेतु गोटे सिंगुलर तेनो हमें एठी वर्ब रखिबा सिंगुलर नाउ रूल 10 अ नंबर ऑफ फ्रेज हैज प्लुरल वर्ब गोटे फ्रेज जोटा अ नंबर ऑफ अथवा कौन सी सेंटेंस जोटा अ नंबर ऑफ बोली लिखा जाऊची सेटारे आमे वर्ब को प्लुरल करिबा जहार सब्जेक्ट होची अ नंबर ऑफ रु आरंभ होईची ताहले आमे तार वर्ब को रखिबा प्लुरल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ पिकनिक एटी अ लिखिचु अ गोटे सिंगुलर वर्ड ए सिंगुलर हेबा सत्वे भी अ नंबर ऑफ फ्रेज संगे रे सबबळे प्लुरल वर्ब आसे ओके नेक्स्ट रूल रूल 11 यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर सिंगुलर वर्ब जते बेले आमे कोनसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट विषय रे कथा हवा ताहले आमे सिंगुलर वर्ब जॉइन करिवा 5 किलोज ऑफ राइस 5 टा प्लुरल 5 किलोज ऑफ राइस इज नीडेड आमे एठी इज नीडेड देखिलु कोन पई बिकॉज़ 5 किलोज इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन माय स्कूल एंड माय हाउस एटी बे आमे 10 टा कोन रखिले गोटे यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखिले किलोमीटर किलोमीटर टा गोटे यूनिट ऑफ मेजरमेंट तेणु आमे ताको सिंगुलर वर्ब इज संगरे जोडिले ओके क्लियर वर्तमान आमे लास्ट रूल देखिबा रूल 12 वर्ड्स लाइक फ्यू मेनी सेवरल ऑल सम
आर व्हेन यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स देन द वर्ब विथ सिंगुलर। एठी आमे कोन लिखिले फ्यू मेनी सेवरल ऑल सम ए वर्ड्स जेते बेले अनकाउंटेबल नाउन संगे रे जानती बा अनकाउंटेबल नाउन संगे रे समाने यूज होंती ताहेले वर्ब सब बेले सिंगुलर हबो। ओके आमे एठी लिखिचे सम मिल्क इज स्पॉइल्ड, आमे एठी कोन लिखिचे सिंगुलर लिखिचे सम मिल्क, किछि मिल्क रखिले किंतु मिल्कटा तो अनकाउंटेबल ना, मिल्क कोन आमे गणि परिबा, तेणु आमे मिल्क इज स्पॉइल्ड। आउ गोटे एक्जाम्पल मिलेछि लिटिल सुगर इज लेफ्ट इन द जार, लिटिल सुगर सुगर भी आमे गणि परिबानि, तेणु सुगरटा भी हम अनकाउंटेबल नाउन आगे लगे सिंगुलर वर्ब। ओके बर्तमान क्लीयर, आम बर्तमान देखा एक्जामिनेशन भाया प्रश्न केमती आसे, किसी एक्सरसाइज आम सल्व करवा। फर्स्ट क्वेश्चन आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डैश एट स्कूल, एठी आम कौन लिखले एंड द्वारा दीटा सिंगुलर वर्ब जॉइन होती रूल आम आगुरी करे, तेणु आम कौन लिखा वर्ब एठी प्लूराल हो जीव, आलोक एंड हिज फ्रेंड्स आर एट स्कूल। ओके नेक्स्ट आइदर सीमा और हिज सिस्टर कमिंग टू द पार्टी इज हब ना आर हब, आम एठी डिस्कशन करे आइदर और नाइदर नर पाखे जोटा तार इमिडिएट नाउन थिब या परे जोटा नाउन थिब, एठी नाउन टा कोन सिस्टर, सिस्टर एठी सिंगुलर अछि तेनो वर्ब बी सिंगुलर हब। क्लियर नेक्स्ट नाइदर हरीस नॉर हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द सर्कस, एठी आम कौन लिखले नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नॉर पाखे सब्जेक्ट कौन रहा प्लूरल हिज फ्रेंड्स, प्लूराल जेहेतु नाउन प्लूराल रहा नॉर परे, तेणु वर्ब भी प्लूराल हब आर गोइंग टू द सर्कस। ओके क्लियर नेक्स्ट देखिबा करण एंड समर डैश वांट टू प्ले आउटसाइड, एटा बहुत कॉमन जिनस आम आगु पढ़चे दीटा सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जॉइन होती, तेणु एठी वर्ब भी प्लूराल हब, डज नॉट टा सबुले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगे, तेणु आम एठी डू नॉट लिखले। क्लियर नेक्स्ट देख संगीता डैश वाश हर क्लोथ्स, एठी कौन लिखा संगीता सिंगुलर ना प्लूराल, संगीता सिंगुलर तेणु एठी डोंट हबनी, एठी हब डजंट। ओके नेक्स्ट सेंटेंस ईच वन ऑफ दिस बुक्स, एटा हम डिस्कशन करथिले ईच शब्द जगह सब बेले वर्बटा सिंगुलर हुए, तेणु ईच वन ऑफ दिस बुक्स इज फिक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस nobody know or knows my problems, eti kon hobo ame kon lakithile nobody sangare sabu bele singular verb use hue, tenu no ta plural sangare lagibo, tenu ame knows my problems likhiba. Okay one of my friends is are going to japan, one of my friends eti ame one of my friends likhiche to eta hobo is, eta ame kahithile one he gele singular। What does the news? What is news? To uncountable, then what is the news? Na? Aao kichhi example ame dekhiba. I hope bahut jada problem ho na thuwa. It is easy achi. Aao kichhi example ame bartaman dekhiba. The president as well as his wife. Ethi ame kon discussion karthile. Gotte wo phrase thila as well as. As well as shabda jagare. Jadi ame sentence ko joduche. Tahale ame verb ta kon rakhiba? सिंगुलर, तेणु एटा हबो एड्रेसेस द क्राउड। ओके क्लियर नेक्स्ट द सिंगर अलोंग विथ फ्यू अदर्स डैश ऑन द फ्लोर, कौन हबो सिंगर अलोंग विथ फ्यू अदर्स डांसेस हबो, काहेकि आम अलोंग विथ शब्द जगह सिंगुलर वर्ब यूज करिबा। नेक्स्ट नाइदर सी नर आई डैश गेटिंग द स्कॉलरशिप, एठी नर पाखे कौन अच्छी आई, तेणु आई संगे जो सब जो वर्ब टा यूज हबो सेटा हम यूज करबा, आई संगे हम आम यूज करू, तेणु एठी हम लिखबा आई एम गेटिंग अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट एवरीबॉडी वाज वर एंजॉयिंग द पार्टी, एवरीबॉडी अछि एवरीबॉडी शब्द जगह हम जानिछु सिंगुलर वर्ब यूज करू, तेणु एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग द पार्टी। नेक्स्ट हम देखबा बोथ इज आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, बोथ हम जानिछे बोथ हम सब बोले दी जन को पई यूज करू, तेणु दीटा प्लूराल हम, तेणु मोर देन वन इज ऑलवेज प्लूराल, तेणु आम बोथ पाखे बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब लिखा। ओके नेक्स्ट द ज्यूरी हैज और हैव फाइनली रीच्ड अ डिसीजन, ज्यूरी टा आम जानी गोटे कलेक्टिव नाउन ऑलवेज इज सपोर्टेड विथ सिंगुलर वर्ब, तेणु हैज टा सिंगुलर, तेणु आम लिखा द ज्यूरी हैज फाइनली रीच्ड अ डिसीजन।
ଓକେ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।